यही दिमाग फट जाएगा ये सब सोच सोच कर। ओ मिस आयु की हिम्मत कैसी है मुझे किस करने की, वो भी मेरे लिप्स पर, और तो और मेरी फर्स्ट किस थी जो कि वो लेगी। लेकिन एक सेकेंड, मैंने भी तो उसे मैंने उसे किस किया, मैंने इसे कैसे कर सकता हूँ? जिमिन दी मुझे आप सुलझ बात। ये क्या जिमिन दी तो सो रहे है, लेकिन मुझे तो उनसे बात करनी थी, अब क्या करूँ? कौन है ये थी बिना सुबह सुबह आ गई, मेरे दिमाग खाने के लिए सो जाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना, हमेशा दी मुझे उठाने के लिए आते थे, आज मैं उन्हें उठा दूंगी। जिमिन दी उठिए, मैं आपको आई हूँ उठाने के लिए, आप हमेशा आते थे मुझे उठाने के लिए, आज मैं आई हूँ, उठिए मुझे आपसे बात करनी है, उठिए ना। तुम सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मुझे सोने दो ना। जिमिन दी मैं आपको कहाँ परेशान कर रही हूँ, मैं तो आपको उठाने आई हूँ, और आप उठिए ना, मुझे आपको कुछ बताना है, आप उठिए। क्यों भी ना ले अब उठ गया, अब बता क्या बात करनी थी। जिमिन दी आज नहीं पूछोगे कल तुम्हें इतनी लेट क्यों घर आई? आपको बताए मैंने कल शॉपिंग करी थी, और कल शॉपिंग इतनी ज़्यादा मजा आया, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक है तो तुम मुझे बताओ मंगल पे नहीं है? हाँ वो तो है, किचन में है, उन्होंने बोला कि ओबा तो बिजी है, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी मैं सोचू तुम्हें सुबह सुबह और को नहीं मिले, मेरे पास आ गई मेरे दिमाग खाने के लिए। जी मिंदी आप ना पागल हो, दिमाग थोड़ी ना खाने की चीज होती है, और ऐसे भी मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। क्या तो ब्रेकफास्ट कर चुका है? चलो बहुत अच्छा। हाँ तो उसमें क्या है, आप नहीं करते हो क्या ब्रेकफास्ट? एक सेकंड आपकी फोन आ रही है, दिखा दो। ऐसे ही करके 32 क्या दिखा रहा है, मेरे फोन दे कट जाएगा। दे दूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि आप मेरे सारे सपिन देखोगे? ठीक है मैं तेरे सारे सपिन देखूँ, फिलहाल तो मुझे मेरी फोन दे। आप सच कह रही है मेरे सारे सपिन देखोगे? तो फिर लीजिए आपकी फोन। हाँ तो बोल इतनी सुबह से क्यों फोन किया? जिमिन पहले तुम मुझे ये बोलो कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। लेकिन बात क्या है? ओके ठीक है मैं नहीं मना करूँगी। बोल जिमिन तुम्हें अभी के अभी इस वक्त यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है ये तो बोल। जिमिन जैसे कि तुम्हें पता है कि जैंग और मेरे बीच में वो सब कुछ हो चुका है, सो इसलिए तुम क्या, हेलो कुछ तो बोल। जिमिन दी क्या है, एक सेकेंड गए तो चुप नहीं रह सकता? ओके जिमिन आई एम प्रेगनेंट। व्हाट? जंगू के बेटा मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को कितनी बार कहा है कि घर में हमेशा जल्दी आया करो, इतनी देर तक घर से बाहर मत रहा करो, इस घर में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। मामा वैसा क्यों कहते हैं, हम थोड़े हम छोटे बच्चे हैं। ये बात तो तुम बोला ही मत कर, हमें पता है तू तो कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। सुगा बेटा ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? मॉम कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चोट लगी और कुछ नहीं, ये थोड़ा सा। हाँ मुझे पागल समझा है? मॉम मैं सच कह रही हूँ, बस आते वक्त तो थोड़ा सा लग गई और कुछ नहीं, अब तुमसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। मॉम ऐसी बात नहीं है, और आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? और ऐसे भी मैं अपनी वर्ल्ड वाइडली ब्यूटीफुल मॉम को मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? मॉम आपको मक्खन लगा रहा है, ए तू चुप कर ना। मॉम आप मुझे बोलो मैंने क्या कुछ मिस किया? हाँ बिल्कुल सही बात है, याद दिलाई।
मैं मम से डांट खा रही थी, तू भी खाएगा आजा। नहीं तो फिर मुझे नहीं चाहिए, तू ही खा। तो इसकी बातों को धन्यवाद दे, तो मुझे ये बोल कि कल तुम्हें हमने कहा था कि तुम हमारे फ्रेंड के घर जा रही हो, लेकिन तुम आई नहीं। तुम्हें पता भी उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। मॉम उन्हें बुरा क्यों लगेगा, वो आपके फ्रेंड है, आपको जान था। आप सब कह रहे थे कि मैं जाऊं बोले, इसलिए मैं हाँ कह दिया। बात तो सही है, लेकिन तुम्हें कैसे बताओ कि तुम्हें हमें क्यों लेके जाना चाहते थे। जीने दे रही, पहले उसे ब्रेकफास्ट तो करने दो, फिर हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। सुगा तुम अपने ब्रेकफास्ट करो, फिर हम ऑफिस के लिए निकलेंगे। डैड आप भी आ जाइए, साथ में कर लेते ब्रेकफास्ट, फिर हम ऑफिस के लिए निकलेंगे। नहीं मैं करके ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। चलो तो फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफी अच्छी खुशबू आ रही है, अब तो पक्का मुझे भूख लगने लगा है। चाचू आप आ गए, हम आपकी ही वेट कर रहे थे। ए, मैं तुझे कितनी बार कहा है कि तू मुझे जो भी बुलाना है बुला ले, लेकिन चाचू नहीं, चाचू नहीं। सिर्फ 6 साल ही मैं तुझसे बड़ी हूँ, तो क्या हुआ, मैं तो बुलाऊंगी चाचू। चाचू आप गुस्सा हो गए। तुम दोनों बिना बच्चों से लड़ कर रहे थे, अभी तुम आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। जब तुम आज फ्री हो ना, क्योंकि तुम हमारे साथ ऑफिस जा रही हो। ठीक है तो फिर मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाऊंगी। ठीक है तो फिर तुम अपने ब्रेकफास्ट खत्म करो, फिर हम साथ में चलेंगे। नहीं आप दोनों चले जाए, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आ जाऊंगी। डैड मेरा हो गया है, चले हम चलते हैं। तुम्हें काम है तो ठीक है, तुम बाद में आ जाना। सुखा चलो हम चलते हैं। ए बस हो गई, तुम्हें समझ में आ गया ना। हाँ कहाँ चली गई, हम अब क्या ढूंढ रहे हैं मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। जिमिन बेटा एक्चुअली मैं तेरे को ढूंढ रही थी, पता नहीं वो कहाँ चला गया। उसने कहा कि उसे खाना बनाना सीखना है, इसलिए मैं उसे खाना बनाना ही सिखा रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया, तुमने उसे देखा है क्या। एक सेकेंड, ए आवाज कैसी, बाहर क्या हो रहा है। पता नहीं माँ, चलो बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। ए, तुम क्या कर रही हो। मामा आप देखिए ना, डैड बहुत ज्यादा गंदे है, वो अपने लिटिल चेहरे को नहीं दे रही है। डैड आप बहुत ज्यादा गंदे हो। काफी ज्यादा श्रेष्ठ है, मैं तो नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। डैड मैं ये लास्ट बार पूछ रही हूँ, आप देंगे या फिर नहीं। आप नहीं देंगे ना, ठीक है तो फिर मुझे अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। मेरे बेबी बियर गुस्सा हो गया, ए लो तुम सारे के साथ ले लो। नहीं मैंने कहा ना मुझे अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। ये देखो डैड से सॉरी कह रही, ये देखो डैड रो भी रही है। अब तो डैड को मैं आपको दो प्लीज। देखा आप लोगों ने मैंने कैसे ड्रामा किया, ऐसे थोड़ी ना मुझे ड्रामे बच गए थे। ठीक है तो फिर मैंने आपको माफ किया, लेकिन आपने कहा था कि सारे के सारे मुझे दोगे। फिर ये सब कुछ तुम्हारी तो है, ए लो तुम। काफी टेस्टी है। गुड़चप थे मेरे बेटे, बिल्कुल मुझ पे गई है। ले नाम है टमीज ऑलमोस्ट फुल, अब मैं चलती हूँ। बाय मम डैड, बाय जिमिंदी। ए, क्या तुम एक्सरसाइज सुनना पसंद करोगे। लिसन, पहली बात तो ए है कि मेरा नाम है और तू मुझे ए नाम से बुलाना बंद करो, और दूसरी बात ए है कि तुम्हें और तुम्हारे बकवासी सारे सुनने में मुझे कोई भी दिलचस्प नहीं है। क्या यार मूड खराब मत करो। नहीं तुम बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि घर से यहाँ आने तक मेरा मूड सही था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरा मूड कुछ ऐसा हो गया है। हाँ इसका मतलब मैं क्या समझूँ, ये मेरी तारीफ था या फिर बुराई, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है। वेरी फनी, लेकिन रुको एक सेकंड के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो, माना कि मैं बहुत सा हैंडसम हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे मत देखो। ए पालना है तो कुत्तों को पालना, गलत फैमिली नहीं। और मैं तुम्हें देख नहीं रही थी, मैं तुम्हारी बाइक को ढूंढ रही थी, कहीं आज तुम्हारी बाइक नहीं लेके आई। सच में आज मेरे सारे डाउट क्लियर हो गया। और ओ ए है कि तुम्हें सच में भूलने की बीमारी है, और नहीं तो तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम खुद मेरी बाइक का हालत क्या क्या था कल। खैर
छोड़ो ये सारी बातें, तुम पहले मेरी शायद सुन लो। मैं चाहे कितनी भी ना कर लूँ फिर भी तुम भोकोगे। भोको तो फिर यही हुई ना बात। सुनो तो फिर, तुम चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तुम मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, तुम अपनी जुबान कड़ा लो, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। जंक की बच्ची तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी, रोको तो, छोड़ने से पहले पकड़ना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर, आज जब से नहीं आए हैं क्योंकि मैम उनकी कब के आके अंडरवेयर कर रहे हैं। जब आप मुझे बताया कि जब सर आने वाले हैं वो मेरे पास ही खड़े थे, तब से मुझसे पूछ रहे हैं कि जब सर कब आएंगे, आप प्लीज़ एक बार बात कर लें उनसे। नहीं, उसने कहा कि उसे थोड़ा काम है, वो बाद में आ जाएगा, कोई बात नहीं मैं उनसे मिल लेती हूँ। मुझे दिखा रहा है बंदर एक नंबर की। गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, ओ तो तुम फाइनल तुम आ ही गई। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे कब से यहाँ पर वर्क कर रही हूँ। तो तुम आकर मुझे पूछ रहे हो क्या कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, समझी? कृपया करके आप बता सकते हो आप मुझसे मिलने क्यों आए हो? मेरा मन किया इसलिए मैं चली आई तुमसे मिलने के लिए। और तुम मेरी बात भी सुन लो, मुझे तुमसे मिलने में मन नहीं है, मैं जा रही हूँ। क्या कहा तुमने? रुको, वहीं पर रुक जाओ। अब क्या है तुम्हें, तुम्हें क्या बात करनी है? अब तुम भी मेरी बात हो कान खुल के सुन लो, अगर तुम्हें मन नहीं है तो मन बना लो। लेकिन तुम जो भी कहो एक बात तो है, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ तुम्हारे पीए पर्सनल सेक्रेटरी वो चिपकू लड़की कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं तुम उसे निकाल तो नहीं दिया? अच्छी तुम निकाल दी, नहीं तो मैं इसकी टांगे तोड़ लेती। हाँ, ये कौन सी पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में बात कर रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। हाँ यार, ये सर काल के बारे में बात कर रही है। वो तो मेरे घर पर पर्सनल सेक्रेटरी था ही नहीं, वो तो एक एम्प्लॉय थी इस ऑफिस की। ये बात कौन समझाए इसे? बातों बातों में मुझे प्यास लगने लगा है। रुको, ये मेरा है, तुम अपने हाथ हटाओ। ये क्या कर रही हो? डियर स्टूडेंट, दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि टेस्ट तुम्हारा आज ही लिया जाएगा। सर एमए, हम दोनों मिलकर तुम लोगों की टेस्ट लेंगे और रिजल्ट भी आज निकलेगा। सर रेडी हो फॉर टेस्ट के लिए? ओह नो, मेरे पास तो इरेजर नहीं है, अब क्या करूं मैं? पता नहीं कहाँ चला गया, मिलता भी नहीं। इरेजर तो मेरे पास है, कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर सकता हूँ ना। इरेजर अपने पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें मैं दे रही हूँ, इतना काफी नहीं, रख लो अपने पास।
मैंने तुम्हें मांगा था क्या? हाँ तो मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, भलाई का तो कोई जमाना नहीं रहा। ए तुम दोनों इतनी शोर क्यों कर रही हो? चुपचाप से अपने टेस्ट दो। सॉरी मैम, बच्चों तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। जंगकुक तुम्हारे पेपर ले जाओ। गुड जॉब जंगकुक। बच्चों सब आपने अपने पेपर ले जाओ। ये क्या? इसे क्या हुआ? जंगकुक आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पर देखो, मुझे देखो।